मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर पहुंचने से पहले हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ऑडी कार ने लोगों को रौंदते हुए झुग्गी झोपड़ियों में घुस गई। एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं कुल 10 लोग घायल हुए हैं। एम्स रोड का है यह हादसा। नमस्कार, मैं हूं करण पारिक और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज़, सबसे हटकर सबसे अलग, सत्य के साथ राजस्थान की आवाज़। जोधपुर के एम्स अस्पताल के सामने आज एक बड़ा हादसा हो गया। जयपुर नंबर की एक ऑडी कार तेज रफ्तार से आई। कार अपने नियंत्रण खोते हुए झोपड़पट्टी में घुस गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं कुल घायलों की संख्या 10 बताई जा रही है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जोधपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के जोधपुर पहुंचने से ठीक पहले यह बड़ा हादसा हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ऑडी कार की रफ्तार तेज थी, चालक का नियंत्रण बिगड़ता गया, जिसके चलते यह बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार के चलते गाड़ी ने सड़क पर पहले एक बाइक सवार को चपेट में लिया, फिर एक स्कूटी सवार को चपेट में लिया। इतने में ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ गया और ऑडी सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों में घुस गई, जिसके बाद यहाँ पर लोगों को घायल कर दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घायलों को मिलने एम्स अस्पताल पहुंचे। घटना के बाद बासनी थाना पुलिस ने ड्राइवर को मौके से हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ जारी है। मौके से ऑडी कार को हटा दिया गया है। एएसपी नूर मोहम्मद ने बताया कि जांच चल रही है, फिलहाल घायलों को एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और एम्स अस्पताल में घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। एम्स के सामने स्थित झोपड़ियों में आज अल सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जिसे देखकर वहां मौके पर एक बार अफरा तफरी मच गई। ऑडी कार जयपुर नंबर की होने के कारण यह बताया जा रहा है कि गाड़ी जयपुर की थी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए राजस्थान की आवाज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।